डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2023-24 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आगरा कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, आगरा कॉलेज की पहली कट ऑफ लिस्ट 91% रही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा 2023-24 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगरा कॉलेज में बायोटेक के जो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, किस तरह की इसमें इस बार कट ऑफ रही, किस तरह छात्र छात्रा एडमिशन ले रहे हैं, उस विषय पर बात करेंगे। पहले अपना मैम नाम बताएं और ये जो बायोटेक ये क्या किस चीज़ के कोर्स हैं और किन किन किस तरह एडमिशन हो रहे हैं शुरू उसमें। मैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल बायोटेक विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ और कल हमने कट ऑफ निकाली है और हमने कल कुछ एडमिशन भी कर लिए हैं बायोटेक के BSc बायोटेक फर्स्ट ईयर में। क्या कट ऑफ इस बार की कट ऑफ BSc में क्या क्या रही है आपकी बायोटेक की? 91 गई है इस बार की कट ऑफ। अभी सेकंड लिस्ट और निकालेंगे, उसके बाद जैसे भी होगा, क्योंकि हमारे पास 60 सीटें बायो में। कितनी करीब सीटें हैं करीब जो बायोटेक्नोलॉजी में? कितनी सीटें हैं करीब जो? 60 सीटें हैं हमारे पास और हम 60 ही हमें फिल करनी रहती हैं। तो अभी फर्स्ट लिस्ट निकाली है, अभी कुछ एडमिशन हो गए हैं। एक पहला दिन निकल चुका है, दूसरा दिन भी निकल चुका है, तो करीब लगभग कितने अभी छात्र छात्राओं ने एडमिशन होने का अभी दावा आपको दिया है? अभी करीबन 30 छात्रों ने एडमिशन ले लिया है अभी और 30 और कर लेंगे सेकंड लिस्ट। अभी हम निकालेंगे 30 तारीख को हम सेकंड लिस्ट निकालेंगे। अच्छा, अब बात करेंगे। अच्छा, पहले तो नाम बताएं कि किस तरह इस बार एडमिशन की प्रक्रिया, क्योंकि सबसे पहले आप ही के उसमें विषय में जो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई। जी, मैं डॉक्टर यशस्वेता चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और कॉलेज में लकली हम लोगों के एडमिशन सबसे पहले स्टार्ट हुए हैं और लिस्ट निकल चुकी है, पहले लिस्ट के एडमिशन भी हो चुके हैं और सेकंड लिस्ट, जैसा कि मैम ने बताया कि अब हम लोग सेकंड लिस्ट निकालने वाले हैं, तो 2 दिन के अंदर हम लोग सेकंड लिस्ट भी निकाल देंगे। इस बार जो बायोटेक की जो अपने जो मेरिट निकाली है, तो पिछली बार से कम है कि ज़्यादा है जो? नहीं, हमारे तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही जाती है लगभग मेरिट है हमारी, तो अच्छे स्टूडेंट्स ही आते हैं और पहले लिस्ट में भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारे एडमिशन हो गए। 91 के आसपास करीब अब इस बार निकाली आपने जो, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा इस बार का, मतलब एडमिशन मतलब पूरे हो जाते हैं हर साल की, मतलब कुछ सीटें बच जाती हैं फिर भी? हमारे यहाँ जब से हमारा डिपार्टमेंट खुला है 2011 से, हम लोग का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, तब से हर साल हमें बच्चों को लौटाना ही पड़ता है। हमारी सीट्स हमेशा फुल होती है, तो हम लौटाते हैं, कभी खाली नहीं गया। जैसे कि 60 सीटें, तो मतलब जैसे हर बार कॉलेज बढ़वाने के लिए विश्वविद्यालय को डालता है, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसी कोई प्रक्रिया रखी जाएगी? वो तो बाद में डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर कि वो 33% जो बाद में बढ़ाते हैं, तो वो पिछली बार भी बढ़ी थी और इस बार भी बढ़ जाएंगी अगर, होप सो। और भी प्रोफेसर से बात करें। अच्छा मैम, आप बताएं कि बायोटेक में भी किस तरह के एडमिशन चल रहे हैं अभी जो? अभी फर्स्ट लिस्ट निकली है, तो फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी 30 एडमिशन हुए हैं। सेकेंड लिस्ट अब 30 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की, उसके बाद निकलेगी, तब होंगे। बायो आगरा कॉलेज में जो विश्वविद्यालय द्वारा जो सारे जो नियम है उसके आधार पर सारी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और जो भी इच्छुक छात्र अभी तक अभी बायोटेक में एडमिशन लेने नहीं आए हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचें और अपने एडमिशन को सुनिश्चित करें, क्योंकि जो मेरिट के हिसाब से सब छात्रों को जो है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उसके बाद जो लोग फीस जमा कर देंगे वक्त पर, उन्हीं का ही एडमिशन सुनिश्चित माना जाएगा, और उसके बाद दूसरी मेरिट निकाली जाएगी, उसके बाद ही और जो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। कैमरा मनोज के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।